है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। थैंक यू आने के लिए रमन। कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ इधर। अरे छोड़ो उन्हें, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं। मेरे साथ ऐसे कैसे रमन? प्लीज मैं छोड़ना नहीं रमन। मैं इधर ही हूँ, कुछ नहीं। तुम आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा इशिता, मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं कर सकते। पता है मेरे साथ। इशिता, तुम पानी पियोगे? आप नहीं आते तो अभी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक मिनट, मैं पानी ले लूं। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बच जा रहा हूं, प्लीज प्लीज। इशिता, गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ, आ रहा हूं मैं। Ishita, is she okay? मुझे क्या देख रहे हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सोचा था कि कोई बैली डांसर है या सरप्राइज एंटरटेनर है, नो? लेकिन जब लाइट्स ऑन हुई तो इशिता थी। I was shocked. You know how embarrassing that is? मैं सोच रहा था कि वो यहाँ क्या और क्यों है। I mean, उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसी पार्टीज में क्या होता है। बस अशोक, I'm not fooled easily. संभाल के रहना। वाह, क्या कमाल की एक्टिंग करता है तू यार, मान गया। मजा आ गया नहीं? इशिता जी, अब कहाँ कहाँ मुँह छुपाते ही फिरेंगे इशिता जी। को देखो एक्टर। तुमने मेरा नाम खराब कर दिया, तुम्हारा नाम मैंने अपने घर के बाहर लगाया। I'm so proud of you. उनके बारे में सोच के I don't degrade sir. मुझे गंदा लग रहा है। और ऐसे घटिया लोगों की बातें सुन के तुम you're a strong woman, इशिता. तुम जानती हो तुमने मेरे लिए इस घर के लिए क्या क्या किया? तुम इस घर में आई हो तो ये घर सवरा है। नहीं हुई हो तुम, गंदे वो लोग हैं। तुमने इस घर को सवारा, तुमने मम्मी की लाइफ सवारी, तुमने मेरी लाइफ सवारी, मेरी मद्रासन शेरनी हो तुम। कुछ नहीं हुआ इशिता, इसे घटिया लोगों की बातें एक्चुअली गलती हमारी है। हम इन लोग के लिए बहुत अच्छे हैं, लोग तो सारे जिंदा रहने के लायक नहीं। एंड डोंट वरी, आई प्रॉमिस, जिसने तुम्हारे साथ ये हरकत की उसको सजा मिलेगी, और साथ ही साथ उसको भी जिससे तुम्हें एक गलत मैसेज भेजा था। उनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये करने के लिए हमेशा की तरह तुम्हें मेरी ताकत बनना पड़ेगा। कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ करना चाहती तो यहां अपनी आंखें बंद करो। लगी हूँ,
आपने मुझे ब्लेम नहीं किया। जो उसको ब्लेम करता ना वो सबसे बड़ा गधा होता। चलो सो जा। चलो चलो चलो। जानती हो ना घर से उठ के अभी को तैयार करना है, स्कूल शुरू हो गई है उसकी। चलो आगे बंद कर, आगे बंद कर, सो जा। मुझे सब क्यों लग रहा है कि सब परम जी का हाथ है? और फिर पिछली बार में उन्होंने आदि को भड़काने की कोशिश की थी, कहीं कहीं उन्होंने शगुन के फोन से नहीं, या फिर उन्होंने आदि को कहा होगा कि अगर आदि तो बच्चा है वो ही सब बातों के बारे में कहां से जानेगा। नहीं परम, परम जी ने गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। नहीं हाँ सिम्मो, और बता क्या हाल है तुम्हारे? सुना है मैंने कि बड़ी ऐश करी तूने शगुन की पार्टी में। और आपकी पार्टी वांशिता कैसे पहुंची परम जी? तू ये मुझसे क्यों पूछ रही है? मैंने क्या किया? परम जी आपने ही कहा था ना कि शिता को सबक सिखाने में आपको कभी शर्म नहीं आएगी, तो कहिए ले लिया बदला आपने? ओह, तो तुझे लगता है कि ये सब कांड मैंने किया है? चल ठीक है, मान लेता हूं मैं कि मैंने किया है। तुझसे क्या छुपा? हाँ मैंने किया ये सब। आदि को मैंने बोला कि शगुन का फोन लाओ और उससे मैसेज करो इशिता को। पर क्यों परम जी? क्योंकि शायद सिम्मो तू भूल गई। लेकिन मैं नहीं भूला। किस तरीके से उस इशिता ने बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाला था। तो भूल गई है कि उसने क्या इल्जाम मेरे ऊपर लगाया था, गंदा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया था। तू भूल गई है कि तेरे भाई ने सरेआम सबके बीच में मुझे थप्पड़ मारा था, अपने ही ससुराल में मुझे रेंट पे करना पड़ता था। तू भूल गई? तू भूल गई है, याद है तुझे? तो अपने पति की बेइज्जती भूल करके अपनी भाभी की भक्तन बन गई। तभी तो भूल गई है कि उस इशिता की वजह से आज तेरी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आज हम अलग अलग रह रहे हैं, तू वहां पे मैं यहाँ पे, हम बस चक्कर काटने चक्कर काटने बस। तो भूल गई है। लेकिन मैं नहीं भूला, मैं उसे चखाना चाहता था बेइज्जती का स्वाद। नाम लगाया था मुझे कि मैंने उसे बुरी नजरों से देखा। मैं उसे दिखाना चाहता था कि बुरी नजरों से देखना किसे कहते हैं। बस करिए परम जी, बस करिए। सिम्मो तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू और तेरी बेटी जो जिस इंसान की वजह से रात भर रोते रहते थे आज वही इंसान रात भर रोएगा। आपने क्या कर दिया? मुझे लगता था कि मेरे परम जी किसी औरत की बेइज्जती नहीं कर सकते। इसलिए जब इशिता ने आप पर इल्जाम लगाया तो मैंने आपकी तरफदारी की और आपने उसे बदला लेने के लिए मर्दों के सामने खड़ा कर दिया। आपने उसकी बेइज्जती की, उसको जलील किया। आप ऐसे कैसे कर सकते हो परम जी? आपने जरा भी नहीं सोचा कि वो हमारे घर की इज्जत है। आपको पता है कि रमन भाई और इशिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया? जब आप दुबई में रहते थे तो मैं उनके घर में रहती थी। उन्होंने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं पूछा कि उनकी बिहारी हुई बहन उनके घर में क्या कर रही है। उन्होंने मेरे और अनन्या का हमेशा ख्याल रखा और आपने पर हमने घर के झगड़े घर में संभाले जाते, बाहर बाजार में ले जाकर उन्हें छाला नहीं जाता। क्या किया आपने परम जी? क्या दिखाऊंगी मम्मा को, भाई को और इशिता को? और आपको, आपको जरा भी गम नहीं? आपको जरा शर्म नहीं आ रही है? अच्छा समझ, अच्छी पट्टी पढ़ाई तुझे उसने। तो अपने पति की बेइज्जती भूल गई है और उसके एहसान गिना रही है। ठीक है चल फिर मैं बुराई से मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी भाई से और इशिता से?